हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और अभी उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सो रहे होंगे, आप में से ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और आज मंडे है 20th जुलाई, और आज रोमियो के साथ एक काफ़ी अजीब सीन हो चुका है। और पीछे जो है मेरे, आप देख सकते हैं कि रोमियो है, और रोमियो को जो है एक बी ने काट लिया है, एक मधुमक्खी ने काट लिया है। और अभी इस टाइम में समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। रोमियो की जो ईयर की स्वेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और इस टाइम में जब वो बाहर था, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो हम अपने डॉग्स को जो है, जुजू और रोमियो को जो है, वो बाहर बैल्कनी साइड में खाना देते हैं ताकि वो ओपन में खा सके फ्रीली होके और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहाँ पे हम उनको खाना देते हैं, तो उस टाइम अचानक से उसको किसी एक मधुमक्खी ने काट लिया। यूजुअली जो है वो मधुमक्खी या फिर ततैया जो बोलते हैं, पता नहीं किसने काटा है। मधुमक्खी का छत्ता तो है नहीं हमारे घर के आसपास, और वो येलो कलर वाले में भी शायद से उन्हें ततैया बोलते हैं। तो ततैया जो है, ततैया ने ही रोमियो के ईयर के पास काटा है, और काफ़ी ज़्यादा पेन में है अभी रोमियो, और उसकी ईयर में जो है पीछे साइड से काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी है। तो ये रहा रोमियो, अभी मेरे साथ लेटा हुआ है सामने, उसके इस ईयर में जो है वो ततैया ने काटा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईयर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फूल चुका है, और ये बार बार अपनी ईयर को झटक रहा है और इचिंग करने का ट्राई कर रहा है। आप दूसरे वाले ईयर को देखें तो ये उतना ज़्यादा स्वेल नहीं हो रखा, लेकिन आप इस वाले ईयर को देखें तो जिसमें ये इचिंग कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही स्वेल हो रखा है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो ईयर में नहीं काटा और ये जिस ईयर में काटा है, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। और मोटा भी हो चुका है काफ़ी, और अंदर से जो है रोमियो, अंदर से कोई स्वेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन बाहर से काफ़ी ज़्यादा ही स्वेल कर रहा है। ये पूरा एरिया लाल हो चुका है। अभी इस टाइम में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रोमियो को कैसे ट्रीट करूं, और ततैये के साथ मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि डॉग को अगर काट ले तो क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि चूना जो आता है, चूना लगाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि किधर साइड काटा है। तो मैंने इसे आइस लगा के थोड़ा सा ठंडा करने का ट्राई किया, लेकिन उसको काफ़ी जलन मच रही थी। ये देख रहे हैं आप कितना मोटा हो चुका है, और ये ईयर जो है ये पतला है काफ़ी, लेकिन ये ईयर काफ़ी मोटा हो चुका है। रोमियो, हाउ आर यू? गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि कल जो है वो रोमियो को मैं किसी एक अच्छे वेटरिनेरियन के पास लेके जाऊँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और कल तक अगर ये जो स्वेलिंग है वो कल तक अगर ये जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाती है तो मैं आपको चैनल पे ऑब्वियसली अपडेट दे दूँगा। और अभी जो है मैं रोमियो के कान के पास स्कार्फ सा बांधने वाला हूँ, एक क्या कहते हैं, नकाब टाइप का जो भी शील्ड होता है। तो एंटीना जो होता है डॉग्स का, वो मेरे पास एक्चुअली है नहीं, और अभी इतनी रात को मैं कहीं दुकान में जा नहीं सकता वो लाने के लिए, तो स्कार्फ से ही काम चलाना पड़ेगा। और स्कार्फ इसलिए क्योंकि ये बार बार इचिंग करके अपने ईयर को और भी ज़्यादा कुछ नुकसान ना पहुँचा दे, उस वजह से स्कार्फ बांधना पड़ेगा। सो रात के इतने टाइम में ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती है, अगर आपके पास डॉग है तो आप समझ सकते हैं। और वो फुली रोमियो जल्दी ही रिकवर कर जाएगा, और मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी अपने डॉग को ऐसे देखते हुए कि वो किसी परेशानी में हो, या फिर किसी चीज़ ने उन्हें काट लिया हो, चाहे वो चीटी हो या फिर ततैया हो या फिर कोई भी हो। और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। कल सुबह मैं जो है अपडेट दे दूँगा कि रात तक वो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। मैं अभी थोड़ा सा उसको आइस लगा दूँगा, और जो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टी शर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बाल चिपके हुए हैं, ये डॉग्स के साथ होता रहता है। अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहन के घर में घूमेंगे और आपके पास अगर डॉग है तो दैट्स नॉर्मल। The next day. So guys, आज 21st of July है, और कल रात को जैसे मैंने कहा था कि रोमियो जो है
रोमियो के ईयर में एक ततैये ने काट लिया था इस ईयर में। और अभी की बात की जाए तो सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे के आसपास मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैंने उठ के देखा कि रोमियो की जो कान में स्वेलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हमें किसी वेटरनेरियन के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास आप कह सकते हैं, क्योंकि ये घर पे ही ठीक हो गया तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और कल अगर मुझे एक्चुअली पता होता कि किस जगह पे काटा है तो मैं वो चूना लगा देता, जो कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि चूना लगाने से ततैये का जो डंक है वो जल्दी क्या मेल्ट हो जाता है या फिर कुछ इस टाइप का, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, बट लोग लगाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रोमियो का जो स्वेलिंग है ईयर का वो एकदम ही कम हो चुका है और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और रोमियो भी काफ़ी फिट एंड फाइन है। रोमियो तो गाइज यही आपको अपडेट देना था। कल रात को मैंने सोचा था कि आज वेटरनेरियन के पास जाएंगे तो वो वीडियो भी डालूंगा मैं, लेकिन वेटरनेरियन के पास जाना हुआ नहीं, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। रोमियो भी काफ़ी ठीक है, ईयर भी उसका ठीक है, ये ईयर भी ठीक है। आप रोमियो के आईज देख सकते हैं कैसे गोल्डन गोल्डन टाइप से, भूत की तरफ। सो गाइज यही था हमारा आज का एपिसोड, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ, और कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें जोई भी साथ में रहेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। जोई को हम टॉम से मिलवाएंगे और टॉम क्या रिएक्शन देता है जोई को मिलके, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक योर डॉग हैप्पी। अगर आपको जूजू टॉम और रोमियो से रिलेटेड डेली वीडियोज़ देखनी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।